नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संदीप शिवम और आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं दक्ष प्रजापति मंदिर, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। जैसे ही आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर के गेट से अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको भगवान शिव की ये प्रतिमा दिखाई देगी, जो माता सती के त्याग को दर्शाती है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का यह मंदिर माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर है। इस मंदिर को रानी धनकौर द्वारा 1810 ईस्वी में बनाया गया था तथा 1962 में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे और माता सती के पिता थे। राजा दक्ष ने अपने यहाँ एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। इस घटना से माता सती ने अपमानित महसूस किया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और भगवान शिव के अर्ध देवता वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया। सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने राजा दक्ष पर बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया। राजा दक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगने पर भगवान शिव ने घोषणा की कि हर साल सावन के महीने में मैं कनखल में निवास करूंगा। इस प्रकार यज्ञ कुंड के स्थान पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर बनाया गया था। यहीं दक्षेश्वर महादेव मंदिर के आगे माँ गंगा का प्यारा सा घाट है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास गंगा के किनारे दक्षा घाट है, जहां शिव भक्त गंगा में स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर भी शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जिनकी भक्तजन पूजा करते हैं। और मंदिर परिसर में ही यह विशाल वृक्ष है, जिसमें सभी धागा बांधकर मन्नतें मांगते हैं। मंदिर में बहुत सुंदर कलाकृतियां की गई हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको दिखाई देगा यह 10 महाविद्याओं का मंदिर, जिसमें 10 महाविद्याओं की मूर्तियां स्थापित हैं और उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। यहीं इस विशाल मंदिर परिसर में बहुत से और मंदिर बनाए गए हैं, जैसा कि यह शनिदेव मंदिर। आप यहां भगवान शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही
यहाँ श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर बनाया गया है, जिसमें माँ गंगा के आप भव्य दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगा के दर्शन करने के बाद ठीक सामने आपको दिखाई देगा राम दरबार, जहाँ आप श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार मंदिर के विशाल प्रांगण में स्थित है हनुमान जी का यह मंदिर, जिसमें हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव और श्री गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां माता सती का जन्म हुआ था और मंदिर से ये रास्ता जाता है माता सती के जन्म स्थान की ओर। और अब आप देख रहे हैं प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, जिसे माता सती का जन्म स्थान कहा जाता है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर कैसा लगा, और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय।